नमस्कार, ऐसे सूचना में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको नागौर जिले के जायल तहसील के बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज रेलवे और फिट ब्रिज का उद्घाटन होने वाला है। और ये कार्यक्रम विश्व गुरु शांतिदूत महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में होने वाला है। हालांकि कार्यक्रम तो है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी भी आने वाले हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो पाएंगे अस्वस्थ होने के कारण। उसके अलावा रेलवे के आला अधिकारी यहाँ पर, मंडल अधिकारी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक विषय इस बात का है कि जो रेलवे स्टेशन कभी नागौर ज़िले के खासतौर से इस जायल तहसील में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से जिप्सम की हजारों टन की लुढ़ाई हुआ करती थी, यहाँ से ट्रक जाया करते थे, यहाँ से बहुत सारा पानी की सप्लाई डेगाना तक हुआ करती थी, वो रेलवे स्टेशन उपेक्षित है क्योंकि मुख्य रेलवे स्टेशन छोटी खाटू को माना जाता है। जरूरी है कि इस रेलवे स्टेशन को पुनः वो मान्यता मिले, क्योंकि महेश्वरानंदपुरी जी महाराज के हजारों लाखों अंग्रेज शिष्य हैं, वो भी इस रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके महेश्वरानंद के गुरु जी की यहाँ पर आश्रम है और अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, अंग्रेज लोग यहाँ पर आते हैं। जरूरी है कि इस क्षेत्र का ध्यान दिया जाए। यहाँ पर एक प्रसिद्ध दरगाह भी है, इसलिए जब भी मेले होते हैं तो मुस्लिम बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। जरूरी है कि इसको पूरी ख्याति मिले, पूरी जानकारी यहाँ के लोग यहाँ पर देंगे जब उनसे बातचीत करेंगे, और यहाँ पर रेलवे अधिकारी आएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस रेलवे स्टेशन को मान्यता मिले ताकि पुणे क्षेत्र का विकास हो सके। आज इस ब्रिज के उद्घाटन समारोह पर अनेक नेता, अनेक संत और अनेक अधिकारी पहुँचने वाले हैं। आइए इस समारोह का अवलोकन करते हैं। खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं। ये बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन है, दो रेलवे स्टेशन है, एक छोटी खाटू एक बड़ी खाटू, लेकिन गाड़ियों का ठहराव अधिकतर छोटी खाटू में होता है, जबकि 50 वर्षों पूर्व यही मुख्य रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ से जिप्सम की लदाई हुआ करती थी, यहाँ से भेजा जाता था। पानी की सप्लाई पूरे क्षेत्र में ये गाड़ियों के माध्यम से होती थी जब कोयले के इंजन चला करते थे, लेकिन आज ये रेलवे स्टेशन उपेक्षित है, जबकि ज़्यादा कार्य यहाँ के लोग ही करते हैं। बहुत ही सुंदरता यहाँ पर, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नानक दास जी महाराज के सानिध्य में लोगों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत सुंदर बना दिया है। और आज अवसर है जब सारी बात बताई जाए, लोगों से जानकारी ली जाए। बहुत ही साफ़ सुथरा वातावरण आप देख रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हैं यहाँ के, लेकिन रेलवे स्टेशन को पूरी मान्यता नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास अधूरा है। बाकी लोगों को बाहर रोका गया है। नागौर जिले के बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि 50 वर्ष पूर्व जायल तहसील का एकमात्र बड़ा स्टेशन था, जहाँ से बहुत सारा माल लदान हुआ करता था, पूरे क्षेत्र को जल की सप्लाई ट्रेनों के माध्यम से हुआ करती थी बड़ी खाटू के जल से। और ये सूफी संतों की धरा है। अभी वर्तमान में महेश्वरानंद जी पुरी जी महाराज, जो कि विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके गुरु का आश्रम भी यहीं पर है। और ऐसे रेलवे स्टेशन का विकास हो, इस भावना के साथ रेलवे विकास समिति के द्वारा आज यहाँ पर भव्य कार्यक्रम महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में संत आनंददास जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर जीएम साहब पहुँचने वाले हैं, जिनको ज्ञापन देने के लिए आप देख रहे हैं पूरा प्रतिनिधि मंडल मौजूद है, और कुछ ही देर में ट्रेन से जीएम साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। ये रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, डीएम स्पेशल ट्रेन आ रही है, इसमें केवल डीएम और रेलवे के अधिकारी सफर कर रहे हैं, बड़ी खाटू पहुंच रही है। बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पर डीएम स्पेशल ट्रेन पहुंच रही है। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं, इसमें डीएम और रेलवे के लगभग 150 अधिकारी पहुंच रहे हैं, जो यहां का निरीक्षण करेंगे, यहां पर जो रेलवे ब्रिज बना है उसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी खाटू के नानकदास जी महाराज के साथ प्रतिनिधिमंडल यहाँ की समस्याओं का ज्ञापन यहाँ पर डीएम को सौंप गई है। ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी है, डीएम स्पेशल ट्रेन पहुंच चुकी है बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन। आप देख रहे हैं स्वागत किया जा रहा है। नानकदास जी महाराज के नेतृत्व में यहां पर अब ज्ञापन सौंपा जाएगा डीएम साहब को। पुल का उद्घाटन होगा और निरीक्षण होगा, अनेक अधिकारी पहुंचे हैं और डीएम इसी कोच में हैं, उनके सम्मान में आप देख रहे हैं रेड कारपेट बिछाए गए हैं। डीएम साहब पहुंच चुके हैं यहाँ पर।
इसी पुल का उद्घाटन हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं डीएम। नवनिर्मित पुल से और यहाँ पर ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। निरीक्षण के बाद डीएम प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं नागौर जिले में। डीएम टीपी सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। संत नानक दास जी महाराज डीएम साहब से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पर ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सर आपके स्वागत है। पूरी गांव की जैल तहसील का ये एकमात्र रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे स्टेशन है जो उपेक्षित हैं। इसको तमाम सुविधाओं से जोड़ने के लिए, बड़ी लंबी दूरी की गाड़ियां चलाने के लिए डीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपा जा रहा। तमाम समस्याओं से अवगत करवाने के बाद में उसके निपटारे के लिए निवेदन किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं नागौर जिले से। हाँ बिल्कुल, बस एक को बस और नहीं। बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर डीएम निरीक्षण कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर देख सकते हैं पूरा गांव एकत्रित है। डीएम के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा है। सरदार जी, हाँ सरदार जी, भीड़ देखिए किस कदर भीड़ उमड़ी है यहाँ पर। और स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं डीएम साहब। अरे यार महेश्वरानंद पुरी जी महाराज से आशीर्वाद दिया जा रहा है। और स्वामी जी भी निवेदन कर रहे हैं इस रेलवे स्टेशन के विकास के लिए। नज़ारा देखिए, पूरा गांव उमड़ पड़ा है, भारी भीड़ के साथ सब आ रहे हैं। महेश्वरानंद पुरी जी महाराज रेल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। संतों का वास्तविक कर्तव्य यही है कि वो जनहित के लिए इस तरह के कार्य करें और ये कार्य महेश्वरानंद पुरी जी महाराज कर रहे हैं। डीएम और अन्य रेलवे अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि क्षेत्र में किस तरह का विकास होना चाहिए, जो लंबी दूर गाड़ियाँ नहीं रुकती है वो रुकनी चाहिए। रेलवे के जीएम टीपी सिंह को आप देख रहे हैं जो कि बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और विश्व गुरु महेश्वरानंद पुरी जी महाराज
जीएम साहब को इस क्षेत्र की रेलवे स्टेशन की समस्याओं के बारे में अवगत करा रहे हैं। मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है जीएम साहब को, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है अधिकारियों को। आप देख रहे हैं रेलवे विकास समिति और मैसनपुर जी महाराज का स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। एक चित्र लगाया गया जिसमें अत्यक्ष स्थानों की जानकारी दी गई है काटू के, उसका अवलोकन कर रहे हैं जीएम। बड़ी खाटू नागौर जिले का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर जीएम टीपी सिंह का यहाँ पर दौरा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर रेलवे स्टेशन निरीक्षण किया है। जो समस्याएं आपको अवगत कराई गई है, क्या उसके बारे में आप क्या विचार करेंगे? मुख्य रूप से 50 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है, जो भी समस्याएं हैं उनको एक एक समस्या को हम एग्जामिन करेंगे। उसमें जो हमारे बस की है वो हम करेंगे, जो मंत्रालय के बस की है मंत्रालय करेगा। सर आपको क्या लगता है किस तरह की समस्याएं यहाँ पर नजर आई आपने निरीक्षण किया? ये स्टेशन अभी उभर रहा है, अभी उस साइड का प्लेटफॉर्म बना है, नया बना है, उसमें अभी फेंसिंग करनी है, इम्प्रूवमेंट करने हैं, फुटओवर ब्रिज अभी बन रहा है, इसका इनॉग्रेशन करवाना है। तो ये सब काम अब जैसे जैसे अभी स्टेशन साइड में भी हम देख रहे हैं बिल्डिंग्स में अभी वेटिंग हॉल और बन सकता है, तो ये इम्प्रूवमेंट होंगी। सर मुख्य समस्या ट्रेनों के ठहराव की है, लंबी दूरी की गाड़ियां यहाँ नहीं रुक रही है, लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है। वो देखिए जितने हमारे यहाँ पर अभी टिकट्स बिकते हैं जितने, उसके हिसाब से हम अपना प्रपोजल भेजेंगे मंत्रालय का, और मंत्रालय डिसाइड करेगा। ये ट्रेन का रोकना जो है मंत्रालय के उसके अधिकार क्षेत्र में आता। रिपोर्ट आपकी रहेगी सर? रिपोर्ट हमारी रहती है। तो किस तरह की रिपोर्ट जाएगी? अभी तो अब हम बनाएंगे ना, पहले हमारा डाटा ये सब देंगे डिवीजन से। धन्यवाद सर। लोगों की बहुत बड़ी आशाएं हैं जीएम से, और जीएम से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। जीएम स्पेशल ट्रेन से वो यहाँ पर पहुँचे, जो अब यहाँ से रवाना हो रही है, और ट्रेन अब वापस यहाँ से रवाना होगी। सायरन बज चुका है। नानकदास जी महाराज के जयकारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास रहा है संत नानकदास जी महाराज का, और लोग बहुत खुश हैं उनके प्रयासों से। प्रयास बहुत अच्छा रहा है, नतीजा देखते हैं आगे क्या निकलता है। जैसा जीएम साहब ने कहा है कि ये रेलवे मंत्रालय पर डिपेंड करेगा। एक शानदार प्रयास रहा है संत नानकदास जी महाराज का, और लोगों ने जयकारे किए हैं नानकदास जी महाराज के। संत महेश्वरानंद पुरी जी महाराज और नानकदास जी महाराज ने अच्छे प्रयास किए हैं अधिकारियों के सामने, देखते हैं इसका क्या लाभ मिलता है क्षेत्र को। बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन का दृश्य है। संत महेश्वरानंद पुरी जी महाराज यहाँ से विदा हो रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं नानकदास जी महाराज। दो संतों के बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं बड़ी खाटू के लिए। संतों का काम केवल भजन कीर्तन करना नहीं होता है, संतों का कार्य होता है कि वहाँ की पब्लिक के लिए, वहाँ की जनता के लिए कुछ ऐसा करे जिससे जनता का भला हो, और वो कार्य करके आज एक उदाहरण प्रस्तुत किया है संत महेश्वरानंद पुरी जी महाराज, जो विश्व गुरु हैं, जो शांति दूत हैं। आज बड़ी खाटू जहाँ पर उनके गुरु जी का आश्रम है, वहाँ पर उन्होंने पहुँचकर रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी जीएम साहब से निवेदन किया कि इस क्षेत्र में बड़ी जो लंबी दूरी की गाड़ियाँ रुकनी चाहिए, यहाँ की जो समस्या उनको दूर करना चाहिए। आइए महेश्वरानंदपुर जी महाराज से बातचीत करते हैं। पूज्य श्री सत सत नमन आपको, और निश्चित रूप से आपके प्रयासों को हम नमन करते हैं। क्या बातचीत हुई है और क्या जो आश्वासन मिला? पहला तो ऐसा है कि उनके पास टाइम समय नहीं थी जी, इतना रुकने का भी उनके पास में नहीं था, फिर भी उन्होंने रुका करीब 20 मिनट तक यहाँ तक। तो कुछ चुने हुए लोगों ने वहाँ रोका, बैठा के उनसे बात की, यहाँ तक लाने की कोशिश की, लेकिन वो बोले कि हमारे 3 घंटा डिले है, आगे जहाँ जाना है वास्तव में। दूसरा कि मैंने उनको कहा कि भाई हमारे इधर राजस्थान में हमारे 3 प्रकार के खाटू हैं,
हमारे राजस्थान के अंदर में तीन प्रकार के खाटू हैं जी। अब जो हमारे और मैं रहता हूँ ऑस्ट्रिया में जी, और मेरे राउंड द होल वर्ल्ड है और मेरा योगा इन डेली लाइफ है, तो हमारे फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते तब वो थोड़ा सीरियस हो गए जी। मैंने कहा कि हमारे जो विदेशी लोग आते हैं सैकड़ों प्रतिदिन बरस, तो अब वो कौन सी खाटू जाए सही टिकट लेते हैं दिल्ली में, तो वो कहते मेरे को खाटू चाहिए, तो खाटू श्याम जी की है कि छोटी खाटू है कि बड़ी खाटू है, इसलिए इसका बड़ी खाटू नाम होना चाहिए। और दूसरा कि फॉरेनर्स आते हैं तो रात देर भी रात लोगों को थोड़ा खतरा है जी, महिलाओं को वगैरह लड़कियाँ अलग की अकेली अकेली आती है तो इसलिए यहाँ जितने विदेशी आएंगे वो केवल बड़ी खाटू आए थे बिल्कुल, इसलिए यहाँ और सभी प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ रुकनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ये हम करेंगे, कोशिश करेंगे, और ये तो सभी सरकार के ऊपर है बिल्कुल। हालांकि जीएम साहब ने कहा कि रेलवे मंत्रालय करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि संतों से बड़ा मंत्रालय कोई नहीं है। अगर संत के मुख से ऐसी बात जीएम ने सुनी है तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा। मैं उस संत से बातचीत करना चाहूँगा जिन्होंने सबसे बड़ा प्रयास किया, संत महेश्वरानंद जी महाराज के प्रति जिनके मन में अगाध श्रद्धा है, वो संत हमारे साथ है। मैं बातचीत करूँ नानक दास जी महाराज से। महाराज जी इतना बड़ा सहयोग लोगों का मिला, कितना अच्छा लगा आज? ये बहुत अच्छा लगा। आज तो पूरा विश्व ऐसे लग रहा है कि पूरा विश्व स्वामी जी के सन्निधि के चरणों में शीश नवारा है जी। हाँ बोलिए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ, और जीएम साहब का 12 मिनट का टाइम था, उन्होंने आधा घंटा टाइम दे दिया है, और जीएम साहब लोगों की भावनाओं को देखते हुए वहाँ से चल करके और मंच तक आने के लिए जनता की भावना को देखते हुए पधारने की स्वीकृति दे दी और आ भी गए। लेकिन हमारे विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज भी सामने आ गए, ये दोनों का बहुत अच्छा मिलन हुआ है। हमारे खाटू के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया कि एक तरफ से विश्व के महान हस्ती सामने आ रही है, उधर से रेलवे के महान उत्तर पश्चिमी रेलवे के जो अफसर है वो सामने आ रहे हैं, दोनों मिल करके और जो बात करनी थी बात भी कर ली है। और स्वामी माधवानंद पार्क के लिए उन्होंने निवेदन भी किया, उन्होंने कहा कि इस बगीचे में बाग बगीचा लगाओ, अच्छी व्यवस्था करो, हम आपके साथ में। और ट्रेनें जो रुकनी है उन्होंने आश्वासन दिया कि सारी व्यवस्था हो जाएगी, जो बरसाती नाला वो बन जाएगा, जो फाटक है वो बन जाएगी, हम सारी आपकी बातों को मानेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और उनकी और स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने भेंट भी किया, बहुत खुश हो गए और सबको जनता को धन्यवाद दिया कि आपने 3 लाख रुपए लगा करके हमारे रेल प्रशासन में जो रेलवे जमीन में कीचड़ को मेट के जो गंदगी साफ करी, इसके लिए हम पूरी जनता को धन्यवाद दिया है। आज का कार्यक्रम सफल रहा, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को सभी गाँव राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। आपको भी धन्यवाद, आपको आपके प्रयासों को नमन। बस मैं तो जनता के साथ में हूँ और मेरा काम यही है परमार्थ कार्य करना, और संत आदमी तो मेरा काम ही परमार्थ का है, तो जनता के साथ में लगा और जनता ने मेरे से निवेदन किया तो मैं सामने आ गया और पूरा काम किया है। बगीचे आप देख लेना, इस बगीचे की सफाई वगैरह है वो जनता के सहयोग से किया है। और रेल रुकाने का भी जो कार्यक्रम था, लोग भयभीत कर रहे थे कि साहब रुकेंगे नहीं और यहाँ टाइम देंगे ही नहीं, वो जीएम साहब आएंगे नहीं, हमको तो चमका रहे थे सारे अफसर अधिकारी। लेकिन जब जीएम साहब ट्रेन से उतरे और वो जब हमारे उनकी नज़र पड़ी तो वो तो एकदम खुश हो गए कि एक संत सामने खड़ा है कबीर परंपरा का, तो वो खुश हो गए और उन्होंने सारी बातें स्वीकार करिए मानिए। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई मैं एक संत होने के नाते आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस मंच पर पधारिए, उस मंच पर वो गाँव का मंच है, रेलवे का मंच नहीं है, और गाँव की जनता आपको सम्मान के साथ बुला रही है, तो साहब पधार गए। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास, और जीएम साहब के लिए गौरव की बात है कि विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी का आशीर्वाद मिला और नानक दास जी महाराज का आशीर्वाद मिला। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि नानक दास जी महाराज के प्रयासों को कामयाबी मिले और यहाँ पर लंबी दूरी की ट्रेनें रुके और जितने भी लोगों की समस्याएं वो दूर हो। आज पूरा खाटू यहाँ पर मौजूद था और पूरे खाटू के प्रयासों से नानक दास जी महाराज के नेतृत्व में एक सफल कार्यक्रम हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने आके धन्यवाद दिया है, ये बहुत खुशी की। लोग चाहते हैं कि हम खाटू को वापस बड़ी खाटू बना करके वो इतिहास में बताएं कि वास्तव में खाटू क्या है। रेलवे को सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचाने वाली खाटू है वो हमारी बड़ी खाटू है। सुना आपने, धन्यवाद। बहुत बड़ा कार्यक्रम था और एक सफल कार्यक्रम था।